भाई, हम लोग बिहार में शिक्षा संबंधी कुछ जानकारियां देख लेते हैं। ICSI की 10वीं व 12वीं की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। देखिए, ये कार्यक्रम हमारा 27 फरवरी से जो है कि इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट है। 1 मार्च से इंग्लिश लिटरेचर है, 3 मार्च से कमर्शियल स्टडीज है। देख लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं, अब राजस्व कर्मचारी बनेंगे अधिकारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कई राजस्व कर्मचारी अब अधिकारी बनेंगे। इन्हें पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इस महीने के 3रे सप्ताह में होगी। आइए हम लोग कुछ आगे देखते हैं। ये यूपी संबंधी न्यूज है। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में होगी 58,000 भर्ती। बहुत ही अच्छी खबर है। बदल जाएगी बिहार में शिक्षक नियोजन की नीति, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गुरुवार को कहा कि बिहार सरकार जल्द ही नई शिक्षक नियोजन नीति लागू करेगी। पंचायत व प्रखंड नियोजन इकाई का अधिकार शिक्षक नियोजन में खत्म किया जाएगा। नियोजन नीति ने शिक्षा को कमजोर किया है। सरकार उसमें आमूल परिवर्तन कर एक मजबूत विकल्प तैयार कर रही है। आइए हम लोग कुछ आगे देखते हैं। न श्रेणियों से परेशान सीनियर छात्राओं ने स्कूल आना छोड़ा। आइए कुछ आगे देखते हैं। निजी रक्षा कंपनियों में रिटायर अग्निवीरों को नौकरी। बहुत ही अच्छी खबर है। सेना में 4 साल की सेवा के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों के लिए वैकल्पिक रोजगार की संभावनाएं तलाशने की पहल सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र से जुड़ी देश की आधा दर्जन रक्षा उत्पादक कंपनियों में उनके यहाँ नौकरी में अग्निवीरों को विशेष मौका देने को लेकर बातचीत हुई है। आइए हम कुछ आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को बनी महिला न्यायाधीशों की पीठ। आइए हम कुछ आगे देखते हैं। 145 प्लस 2 स्कूलों में बनेगा स्टैंडर्ड क्लब। राज्य के 145 सरकारी प्लस टू स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब बनेगा। राजकीय व राजकीय 30 प्लस 2 स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब बनाने का प्रस्ताव भारतीय मानक ब्यूरो ने शिक्षा विभाग इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर अमल शुरू किया है। आइए हम लोग कुछ आगे देखते हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को शुरू हुआ स्कूलों का स्व नामांकन। आइए हम कुछ आगे देखते हैं। MDM घोटाले में पटना से धराया आरोपित। मिड डे मील फंड में 101 करोड़ रुपए की गबन मामले में आरोपित बिल्डर भानु कंट्रस्टर ने संजय कुमार तिवारी के सहयोगी राजू कुमार वर्मा को ED ने गुरुवार को पटना से गिरफ्तार किया। आइए हम कुछ आगे देखते हैं। एक क्लिप पर ही मिलेगी सभी स्कूल की जानकारी। ये थी बिहार में शिक्षा संबंधी कुछ जानकारियाँ। इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।